YouTube फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है और सुबह का वक्त है। अब हम लोग यहाँ, अब मैं रेडी होने जा रहा हूँ। रेडी होने के बाद से मैं पहले ऑफिस चले जाऊँगा स्कूल में, और उसके बाद से मुझे जाना है शादी में। तो शादी का ब्लॉग जो होगा वो बहुत ज़्यादा दमदार होगा। अभी टाइम हो चुका है तो बिना देरी किए वीडियो को लेकर चलते आगे। और यहाँ से वीडियो जो है ना आप लोगों को इतना मज़ेदार लगने वाला है। तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा पूरा वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा। तो वीडियो को करते हैं शुरुआत, अब मज़ा आएगा। तो गाइस वक्त हो चुका है अब यहाँ से निकलने का, गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब यहाँ से जा रहे हैं। गुड़िया दीदी को साथ में लेके जाना है, तो उसके बाद से आप लोगों को वहाँ का नज़ारा जब देखने के बाद से आप लोगों को भी तंग रह जाएंगे। तो आई होप आपको ये वाला ब्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि कैसे डेकोरेशन हुआ है, कैसे क्या हो रहा है। तो बस वीडियो को लेकर चलते हैं आगे। यहाँ पे घर पे पहुँच चुके हैं गुड़िया दीदी के, और जीजू देखिए क्या क्या कर रहे हैं। ये ना चैन से बांध रहे हैं गाड़ी को ताकि यहाँ पे बहुत कुछ भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे चैन से बांधना बहुत जरूरी है। तो ये गाड़ी किसका है जी? ये रेड वाला ये आपको शादी में मिला है? और बाद में लिए हैं यहाँ पे? जल्दी जल्दी हम लोग को लेट हो रहा था, तो गुड़िया दीदी बोली कि खाना इसको खिला रही हैं, चली गई थी स्कूल। कहाँ गई थी? खा रही है अभी। तो उसके बाद से निकलने, देख सकते हैं कितना तैयार हो गई हैं। और हमको उस समय से बुला रही थी या खुद स्कूल गई? आराम से सुनाई खिलाएंगे तो फिर भूख लग जाएगा इसको रास्ते में, तो जल्दी वहाँ जीजू को देख सकते हैं। ये दीदी के घर आ गए थे, तो ये वाला पार्ट देखिए कितना खूबसूरत लगता है। ये आर्टिफिशियल है, ठीक है, इसको बड़ी लगाई हुई है यहाँ पे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अब वक्त हो चुका है निकलने का, सामान यहाँ पे हो चुका है, अब हम लोग निकल के वहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं। सामान रखा चुका है आपको, तो अभी हम लोग आ चुके हैं महाराजगंज, और यहाँ पे कुछ सामान खरीदने के लिए हैं, और उसके बाद सामान खरीद के हम लोग घर पर पहुँच जाएंगे, और उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं आगे का वीडियो। कुछ बोली है? क्या बोले, पी लेने दो पहले। अभी हम लोग महाराजगंज पहुँचे हैं, थोड़ी देर बाद हम लोग अपना घर पहुँच जाएंगे करसौत, जहाँ शादी में जाने वाले हैं लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। जीजू कहाँ गए हैं? हल्दा का नहीं, मुनी ना रहे। जीजू कहाँ गए हैं? वो गए हैं कुछ सामान मेरा था वो लेने के लिए गए हैं, जो छूट गया था वहाँ। बाल में का क्लचर लेने गए हैं। तो गाइस यहाँ पे आने के पास सबसे पहले यहाँ पे पूजा सुबह हुआ था, और यहाँ पे प्रसाद है। यहाँ पे दादी जी बैठ के खा रही थी, बोली कि हमको प्रणाम करने पे प्रसाद मिलेगा। यहाँ हमारी बुआ, मतलब बुआ लगी हुई, सबकी बुआ, और यहाँ पे धीरे धीरे करके सबको एक एक करके आप लोगों को मिलवाते हैं। ये मेरे भाई लगेंगे, लगेंगे मेरे, और यहाँ पे दीदी है इनके, और क्या नाम है इनका, क्या नाम है? जानकी दीदी। अरे तो जानकी तो मेरे दादी जी का भी नाम था, और ये जानकी दीदी पायलट ही। अभी जो है ना हम लोग पहुँच चुके थे, और यहाँ पे इनको थोड़ा सा चोट लग गया है, शादी भवन में थोड़ा चलता है। आते वक्त थोड़ा क्या हुआ था कि गाड़ी चढ़ा रहे थे तो गाड़ी चढ़ गया इन पे। तो चलिए दिखाते हैं वीडियो को आगे, देखिए हमारे जीजू हैं ये। अभी वीडियो का आप अपने 3 दिन तक लगातार इनका फेस देखते रहिएगा, इनको सोने भी नहीं देना है। दो
किलो बेसी बता रहा है भाई। बोले नहीं 75 किलो नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं लोग कितना अच्छा लग रहा है कि जो बच्चा है ना उस कितना छोटा है। अब बाजा इतना बड़ा ले बजाएगा, अभी बहुत अच्छा बजाता है। और यहाँ पे सब लोग वेट नाप रहे हैं कि जीजू का वेट हो गया 73, मेरा है 71। खराब है ना जी मशीन, हम 73 75 दिखा। यहाँ पे जो है ना आप जीजू देख लिया अपने ड्यूटी पे लग गए हैं, हम भी थोड़ा सा हाथ बटा देते हैं एक दो मिनट के लिए। एक अद्भुत चीज आपको दिखाएंगे अभी हम। हाँ यूट्यूबर है, चलो सब्सक्राइब कर लेना। अरे वेल गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन यह बता देते हैं किस लिए होता है। ये सोने के लिए। वेरी गुड, तो ये सोने के लिए हम लोग चटाई यूज करते हैं। पहले के जमाने में ना इसी पे सोया जाता था। अभी का जमाना में अभी भी हम आजकल गाँव में जाइएगा तो नहीं मिलेगा, तो यही काफी है, बहुत गर्मी करता है। ये इतना मस्त है ना कि सब लोग जो है ना एकदम लाइन से जाता है ना, कोई इधर से उधर आ सकता है ना इधर से कोई जा सकता है। और यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है मस्त। इसमें क्या है, इसमें क्या लिए है? चावल है। इसको ध्यान दीजिए, चावल और कुछ पैसा है। ठीक। बजा बजा लो। तो अभी जो है ना माटी को फोड़ने के से पहले जो होता है वो पूजा हो रहा है उस ढोलक का। अब जो है धीरे से माटी फोड़ के लिए सब लोग तैयार वैर होके आ रहा है, तो उसके बाद से आप लोगों को हम दिखाते हैं। अब जो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा दमदार डांस होने वाला है, तो बस दिल थाम के बैठ जाइए, अब वीडियो को एंजॉय कीजिए और एक एक सेकंड जो होगा बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। पानी पी पी के डांस हो रहा है। ऐसा भी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे हटकोर में करता हूँ।
जैसे सिनोरा में से तो माटी कोड़ने से पहले जो होता है ना वो सारा जितना भी सिनोरा में से जो सिंदूर था उसको लगा दिया गया और उसके बाद से अब माटी कोड़ का जो विधि होता है वो शुरुआत होगा। तो पहले पूजा किया जाएगा वहाँ पे और उसके बाद से शुरू होगा। यहाँ पे उनकी मम्मी जी बैठी हुई है अगरबत्ती जलाने के बाद। देख सकते हैं लोग सब लोग इतना तैयार व्यार हो के आ गया है कि क्या ही बोला जाए। यहाँ जीजू खड़े हैं देखिए और छोटकी डांस नहीं कर रही है, खाली आँख अपना बल्ब जैसे लगाई है। यहाँ पे देख सकते हैं लोग कि एक एक करके जो भी सुहागन है ना उसको ना एक एक करके जो टीका जाता है। तो अब गुड़िया दीदी का बारी आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि गुड़िया दीदी को अब टीका लगाया जाएगा। वो सोच रही है कि पहले कौन लगाएगा और उसके बाद से गुड़िया दीदी जो है अब उनका टाइम आ चुका है कि लगवा लेने का। जैसे अब टीका जो है सारा सुहागन एक एक करके बैठेंगे लोग और उसके बाद से एक एक करके सब लोग टीका करेगा। मतलब टीका जितना भी लंबा होता है उतना ही जो होता है उम्र पति का वो शायद सब माना जाता है कि बड़ा होता है। ये भी हमने मम्मी से ही सुने हैं। तो चलिए गाइस बिना देरी की ये वीडियो को लेकर चलते हैं आगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा पूरा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और देखते जाइए एक एक करके सब लोग बैठेगा और सब लोगों का ऐसे ही टीका जो है लगते जाएगा नाक से ले कर पूरा माथा तक और एक त्रिशूल बनाएगा। देख सकते हैं आप लोग कैसे इसमें बना हुआ है। हाँ तो सिवान से आओ ना, यही जिन पड़ी करता पड़ी ना ना फुलवा तो छोड़ के हटो ना जी। देखो देखो गाइज अभी कुछ नहीं था, अभी तो ये ट्रेलर था और आपको जो है ना पूरा वीडियो जो है ना एक एक करके देखने को मिलेगा कि कैसे क्या क्या हो रहा है। तो बस बने रहिए वीडियो में और काफ़ी अच्छा लगा सब लोग इतना ज़्यादा मस्त एकदम शादी का जब माहौल आता है तो एकदम मूड फ्रेश हो जाता है और एक एक करके आपको पूरा वीडियो देखने को मिलेगा और एक एक लोग से आप लोगों को बात करवाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। माटी कोड का जो है फंक्शन हुआ आखिरकार आज यहाँ पे अभी ख़त्म हुआ। कल जो है आप लोगों को बहुत सारा चीज़ हल्दी मेहंदी पता नहीं क्या 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 तो बस सब वीडियो आप लोगों को आएगा। आई लव यू ऑल। वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। बाय बाय, टेक केयर और चलिए मिलते हैं कल। वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों को लास्ट बात ये बताते हैं। दादी बता रही हैं कि अब हल्दी का कार्यक्रम जो है शुरू होने वाला है वहाँ पे, तो ये वाला आप लोगों को सुबह में देखने को मिलेगा
और ये ड्रेस पहन के तैयार हो चुका है। क्या नाम है तुम्हारा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, तो बस यादव जी विदा लेते हैं ये वाला वीडियो से। और हल्दी का जो है कार्यक्रम में देखिए क्या हो रहा है, आप लोग बस बने रहिए। और अभी आप लोगों को मिलवाते हैं हम पूजा जी से।